सुना नहीं तुमने कनिका जी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने परिवार वालों से झूठ बोलकर बाहर जाना चाहती हैं? जितना कह रही हूँ ना उतना ही करो, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। लेकिन 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 क्या, मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने अभी के अभी जाना है, तो मुझे लेने आओ बस। स्वर्ण भवन के चौक में मेरा इंतजार करो, मैं वहीं मिलूंगी तुमसे। कनिका जी, कनिका जी, ये लोग दोनों इतनी रात गए एक साथ कहां से आ रहे? कितनी देर हो गई, कितना ढीला है ये, अभी तक नहीं पहुंचा। टाइम पे नहीं आ सकते तुम? देवराज सेवमान पावन अग्र पंकज ख्याल यंत्र सूत्र बिंदु शेखरम कृपाकरम शारदादि योग्य वृत्त वंदितम दिगंबरम दूरदंड पाश दंड पाणि पादि कारणम श्याम काय मादि देव मंगलम निरामय जीव विक्र भाभी आप काशिका पुरादि नाथ काल भैरवय। कनिका जी, अब आप हमें और मजबूर नहीं कर सकती है। सब जान गए हैं कि हम रिक्शा चलाते हैं और हमें इस बात का कोई डर नहीं। सच कहें तो इस काम में भी हमें कोई शर्म नहीं। सोचना तो तुम्हें चाहिए कनिका। जिन लोगों के साथ तुम उठती बैठती हो, पार्टीज करती हो, उन लोगों ने पहले भी तुम्हें धोखा दिया है, पर फिर भी। अच्छा हुआ मैं प्रकाश भैया ने सब कुछ बता दिया। चलो हम तुम्हें घर ले जाने आए। चलिए भैया। मुझे याद है प्रतिभा, तुम जलने की तकलीफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। एक बार तुम्हारा हाथ गरम तवे से जल गया था, उसी दर्द के मारे तुम सारी रात सो नहीं पाई। शायद यही दर्द आज भी तुम्हें सोने नहीं दे रहा होगा। एक कैसी विडंबना है प्रतिभा, हम किसी को अपना हमदर्द बना सकते हैं लेकिन उसका दर्द खुद पे नहीं ले सकते। काश ऐसे हो सकता तो मैं तुम्हारा सारा दर्द सारा दुख अपने ऊपर ले लेता। प्रतिभा, दिन से आपने दवाई नहीं ली? हाँ बेटा, जब से प्रतिभा को तकलीफ हुई है मैं अपना ख्याल रखना भूल गया था। चोट की चिंता मत कीजिए, हमने दवाई लगा दी है और वो सो भी गई है। हमने पापा हमने सोचा भी नहीं था, तो पल के लिए हम किचन से जाएंगे और नहीं, बेटे, नहीं। अपने आप को दोष मत दो बेटे, हम सब जानते हैं तुम इस घर की हर जिम्मेदारी बखूबी निभाती हो। एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं, प्लीज बुरा मत मानना। तुमसे चाबियां लेकर
हमने यशोधरा को दे दी और फिर आज उनसे कहा कि वो प्रतिभा का ख्याल रखें। मेरा इसमें और कोई मकसद नहीं था, सिर्फ इसलिए मैंने कहा क्योंकि तुम्हारे पास वैसे ही पहले बहुत जिम्मेदारियां हैं और तुम्हें भी तो आराम और आराम की जरूरत है। तुम जैसी बहू किस्मत वालों को मिलती है बेटे। अरे क्या हुआ? अरे ठीक हो ना? ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? मुझे अपने दर्द की चिंता नहीं, मुझे तो प्रतिभा के दर्द की चिंता है, आपके दर्द की चिंता। मैं अच्छी तरह समझती हूँ आपके दिल का। पल पल बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रतिभा जल्दी से अच्छी हो जाए, तो उसे उसकी गृहस्थी संभलवाऊं और चली जाऊं यहां से। लेकिन तब तक मां का फर्ज तो मुझे निभाना ही पड़ेगा। एक बात कहना चाहती थी। हाँ, कौन? आप बुरा मत मानिएगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बोलो। प्रतिभा के यहां होने की बात अगर बाहर ना फैले तो ज्यादा अच्छा है। अगर ये बात बाहर फैल गई तो लोग खामखा बात बनाएंगे कि आपने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी की। एक बार फिर से कनिका की शादी में बाधा आ सकती है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम प्रतिभा को कहीं और रखवा दें या उसे कमरे में ही रहने दे, बाहर ना आने दे? कितने सारे लोग आते जाते हैं। मासी जी, कनिका की शादी को लेकर आपकी चिंता जायज है, पर पापा जो लोग ये ना समझ पाए कि आपने किस मजबूरी में शादी की है, वो कनिका की स्थिति क्या समझ पाएंगे? और माँ की हालत देखिए, ऐसी हालत में उन्हें घर से दूर रखना या नजर बंद रखना ठीक नहीं होगा। लोगों का तो आना जाना बंद किया जा सकता है। यशोधरा आपा सही कह रही है। खैर, तुम कनिका के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर दो। आबा तुम भी। जी पापा। लेकिन पता नहीं, ऐसा परिवार, ऐसा लड़का मिलना बहुत मुश्किल है जो हमारे हालात को समझ सके। शैली, इतनी देर रात मासी के साथ कहाँ गई थी तुम? वो मासी को मंदिर जाना था, उन्हें माँ के लिए मन्नत मांगी थी तो उन्हें वहीं लेकर गई थी। विमल, मैं जानती हूँ कि बड़ी बहू होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं माँ का ख्याल रखूँ, उनके बारे में सोचूं, पर मैं क्या करूँ?
वो आभा मुझे मौका ही नहीं देती, पर अब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक आदर्श बहू बनकर दिखाऊंगी। तुम बनोगी आदर्श बहू। आभा को देखो, सारी सारी रात जागकर माँ की सेवा कर रही है, और तुम ये शराब पिए बिना तुम्हें नींद तक नहीं आती। 7 जन्म लग जाएंगे शाली तुम्हें आभा कितना बनने के लिए। आप मुझे आभा के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं विमल? मैं आभा से बेटर बनकर दिखाऊंगी। कहा भी ना? हम भी देखते हैं कब तक चलता है तुम्हारा ये ड्राई डे। गुड नाइट। मैं जानती हूँ आभा की जगह लेने के लिए मुझे आभा जैसा नहीं, आभा से भी अच्छा बनना पड़ेगा, लेकिन नाटक ही तो करना हो जाएगा। सच में उसके जैसा बनकर क्या मुझे अपनी गत बनानी है? दिन भर काम कर करके अब देखना, ऐसा नाटक करूंगी कि वीर, कनिका और विमल आप भी सब मेरी तरफ होंगे। यशोमासी, आप ग्रेट हो। हाय यार, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारी पार्टी में आ नहीं पाई। वो मेरी भाभी है ना, उन्होंने मुझे आने ही नहीं दिया। कनिका, पार्टी तो एक बहाना है, असल बात तो ये है कि निखिल तुमसे मिलना। निखिल, उसका तो नाम भी मत लेना मेरे आगे, मैं उससे मिलने नहीं वाली। लेकिन कनिका, वो एक बार तुमसे मिलकर सॉरी कहना चाहता है। वो बार बार यही कह रहा है कि उसे कुछ नहीं पता कि वो वीडियो किसने बनाया, कब बनाया। कनिका, उसे अपनी सफाई देने का एक मौका तो देना ही चाहिए ना। वो तेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। अब फैसला तुझे ही करना है। सोच ले, तुझे अपने घर वालों की बात माननी है या निखिल की, जो तेरे लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। ठीक है, सच बताऊं तो मेरा दिल भी कभी नहीं मान रहा था कि निखिल मेरे साथ ऐसा कुछ कर सकता है। मैं उससे मिलने आ रही हूँ, उसे बोल दो ये बात, मैं भी यहाँ से निकल रही हूँ। ठीक है। पानी, माँ पानी, माँ को उठाऊंगी तो नींद खराब हो जाएगी। मैं पानी पीकर आती हूँ, तू भी चल मेरे साथ। अरे 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 अरे, कहाँ जा रही हो? माँ, मुझे जाना है, मैं आ जाऊंगी जल्दी। नहीं नहीं, नहीं। बाहर कितना देर है, देखा नहीं? भूत है, भूत है, मेरा भूत पकड़ लेगा, नहीं जाना। माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी, अरे मुझे छोड़िए। नहीं ना, अरे माँ, मुझे जीने मन जाओ, मुझे जाना है, मुझे छोड़िए। नहीं जाने दूंगी मैं। माँ, मुझे छोड़ो। अंधेरा, छोड़ो, मैं आ जाऊंगी। अंधेरा, कोई अंधेरा नहीं, छोड़ो, आ जाऊंगी, छोड़ के जाएंगे। जा, रुको कनिका। शायद इसी को माँ की ममता कहते हैं। बेटी के कदम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, इसकी आहट इन्हें नींद में भी सुनाई दी गई, इसलिए रोकने आ गए। जाओ कमरे में जाओ। कनिका, कमरे में जाओ, वरना हम अभिकरण को बुलाएंगे। जाओ। कब तक इसे रोक कर रहेगी? याद रखना, एक दिन में निखिल की शादी इससे करवा के रहूंगी। बेटी है वो इस घर की, हम उसे गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे। वो बेटी है तो मैं माँ, और घर के फैसले माँ लेती है, बहू नहीं। जब बड़े अपना बड़प्पन भूल जाए तो मजबूरन छोटों को उन्हें याद दिलाना पड़ता है।
आज जो दरवाजा आपने कनिका के लिए खोला है, एक दिन उसी दरवाजे से हम आपको बाहर निकाल देंगे, को बाहर निकाल देंगे। याद रखिएगा। चले। आभा, जिस लहजे में आज तूने मुझसे बात की है, आज तक कोई नहीं कर पाया। और रही बात दरवाजे से बाहर करने की, तो मैं भी प्रण लेती हूँ तुझे इस घर से बाहर निकलवा कर रहूंगी। बहुत चाहती है उसे। मैं तेरी तकलीफ समझती हूँ बेटा, लेकिन पापा नहीं समझेंगे। उसे नशे की हालत में निखिल को जो देख लिया था। हाँ ये तो है, मैं भी उस दिन उनके साथ ही थी। पर तू चाहे तो मैं बात चला सकती हूँ तेरे पापा से। सच मासी, बस मेरे लिए इतना कर दीजिए, पापा को मना लीजिए। हाँ बेटा, तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं जरूर तेरे पापा से बात करूंगी। लेकिन बस एक ही बात का डर है बेटा, कहीं आभा बीच में ना आ जाए। अगर आभा मेरे और निखिल के बीच में आई तो मैं और शैली भाभी उसे देख लेंगे। फिर ठीक है, मैं जरूर तेरे पापा से बात करती हूँ, तो चिंता मत कर। थैंक यू मासी। मेरा बच्चा राजू जी। पापा के लिए बिना शक्कर वाला जूस, विमल भैया के लिए पराठा और दही, और वीर भैया के लिए जो हमने सैंडविच बनाई है वो लेकर आओ। कभी हमारी पसंद के बारे में भी सोच लिया कीजिए। हम हमेशा आपके ही पसंद का काम करते हैं जनाब। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ?
रही थी।